फिर उसका होगा काम। दिल्ली से उतरे हैं, अभी तुरंत जस उतरे हैं, वहाँ पर हम लोग नाश्ता किए हैं। तीन चार टोटो वाला आया, बोला कहाँ जाना है, कहाँ हम लोग कहीं नहीं जाना है। फिर अपना लड़का को बोले कि चलो बस स्टैंड है, इतना दूर के लिए 50 रुपया क्यों देंगे, हम लोग पैदल ही चले जाएंगे। वो आया बीच में घुसा दिया, मेरा लड़का बोला कि भैया साइड कर लीजिए, बोला साइड नहीं करेंगे, कहाँ जाना है चलो बैठो इसमें। हम लोग बोले हम लोग को नहीं बैठना है, बोला नहीं बैठना पड़ेगा, चलिए हम पहुँचा देंगे, हम लोग नहीं बैठना है। उसके बाद इसके साथ वहाँ से लड़ने लगा दोनों, इसको हम डांटे। फिर बोल रहा है कि तमीज से बात करो, तुम क्यों ऐसा बात किया हमसे। फिर इसके साथ फिर ये लड़की मेरी बोलने लगी, अब इसके हम लोग थोड़ा सा बढ़ गए तो इसको बोला कि लेडीज़ों के सामने आती हो दो चार चप्पल लगा देंगे खींच के। फिर उसके बाद जो हम लोग सुने तब फिर हम लोग वापस गए, कैसे दो चार चप्पल लगा देगा खींच के। और तो हम यहाँ दुर्गापुर के हैं, किस तरह से देख रहे हैं ऑटो वाला इस तरह का खुलेआम रोड में धमकी देना मारना? अब तो वही लोग जानेगा, पता नहीं पुलिस को शिकायत, छोड़िए जाने दीजिए, गरीब है पेट में लात भी मारना चला रहा है, कहीं नहीं जाने दीजिए, आप एक महिलाओं के सुरक्षित नहीं है, छोड़िए भैया हम नहीं एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वो बोला हम लोग भी बोले।